हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल, पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अनुदास है, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज हम देखेंगे भारत की महिंद्रा की जो फैक्ट्रीज है भारत के अंदर, उनके अंदर थार गाड़ी कैसे बनती है। देखो, हमें तो बाहर आके क्या लुक देती है, थार रॉक्स हो गई, थार हो गई, मतलब बंदा उनको देखता है तो दिल दे बैठता है, इतनी प्यारी गाड़ी है। बिल्कुल। लेकिन आज हम देखेंगे वो फैक्ट्री के अंदर कैसे बनती है, मतलब भारत के अंदर जो महिंद्रा की फैक्ट्रीज है उनके अंदर ये थार गाड़ी आखिर बनती कैसे है, ये देखा जाएगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। फुल प्रोसीजर है, क्या मशीनें लगी हैं भाई। हर चीज इधर फुल और सारा कंप्यूटराइज है, सारा उसको रोबोट वगैरह। अच्छा, ये नीचे वाला वो नीचे जो शायद वो चीज है भाई, मतलब जो फ्लोर होता है उसका, इधर हम खल्ला बोलते हैं, ये बोनट वगैरह, ये ऊपर भाई मशीनरी बहुत हैवी लगी है, बड़ी हैवी लगी है। ओए, सारा मशीन का काम है, थोड़ा बहुत आदमियों का काम है, मोस्टली काम मशीनें कर रही है। ये बन रहा है सारा फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये सारा फ्रेम है। फिलहाल तो हिस्सों पे हिस्सा आ रहा है भाई, फ्रेम अब ऊपर कैसे पेंटिंग शेंटिंग कैसे होती है, फ्रेम चल रहा है इसके ऊपर। अच्छा, मोस्टली काम मशीनों का है भाई, जिसमें लोग भी हैं और फुल इक्विपमेंट्स लोगों ने पहने गए अपने सेफ्टी वाले। हाँ भाई, इस तरह तैयार हो गई है, वेल्ड होकर आई है। हाँ हाँ, ये भाई, अब ये भी वेल्ड होगी। ये देखो कैसा फिट हुआ है, देखा क्या कनेक्ट करते हैं यार। ये देख, वाह देखो ऐसा आया है, ये देखा भाई, चेक करो यार, वेल्डिंग चेक करो। हाँ हाँ, बहुत ये मशीनरी कितनी लगी हुई है, कैसी है यार। ये वेल्ड हो गया, ये तैयार हो गया, ये तो अभी फ्रेम बन रहे हैं भाई। हाँ, अभी ताम जाम और भी होगा इनके। हाँ, यार मशीनरों को मानना पड़ेगा, मशीनों को। अच्छा, ये दरवाजे चलवा, ये उनको वेल्ड कर लिया है ऐसों को। हाँ हाँ, ये जोड़ नहीं है, जोड़ जोड़ना है। अब आगे मरले पे जा रही है। ये जोड़ा गया, ये फ्रेम सा बना गया। ये दिन में कितनी गाड़ियां रेडी होती है यार, पीछे लाइन लगी हुई थी। हाँ ना भाई, बहुत सारी है। ये क्या, कौन सी चेकिंग है यार, ये मशीन से पता चल रहा है। ये भी भाई नट बोल्ट टाइट है, नहीं है ये शायद। क्या चेकिंग लग रहा है, हर चीज को भाई 10-10 बार चेक। अच्छा, पेंट हो रहा है, देखा। हाँ हाँ, पेंट हो रहा है, पेंट बड़े यूनिक तरीके से करते हैं यार। अभी तो एक पेंट हुआ, अभी इससे ऊपर वाला एक और पेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, होगा, हो गया, अभी होगा भाई, अभी तो कलर पेंट हुआ, ये सेटिंग कर रहे हैं, देखो ना। हाँ, पेंट हो गया अभी। अच्छा, ये चीजें लोग लगा रहे हैं। हाँ भाई, ये अच्छा, मीटर भी चेकिंग होता है उस पे। हाँ हाँ, हर चीज चेक भाई, खराब रहने के लिए ना फिर इनका मयार, अगर ये चीजें चेक ना करें ना भाई तो इनका केसेस नंबर था, ये मैं कार्ड समझ रहा था, केसेस नंबर है भाई। कलर कैसा दिया, गाड़ी देखो भाई, ऊपर से पीछे से वो किस तरह लगाया यार, ये मशीनें क्या काम कर रही है। मशीनों का अपना काम है, आदमी लोगों का अपना काम है यार। मैं ये सोच रहा हूँ एक दिन में गाड़ियां कितनी तैयार होती होंगी यार। हाँ, ये देखो ना भाई, सोचने की बात है ना भाई, 20-30 गाड़ियां तो तैयार हो जाती होंगी। तार का लेवल आ गई है, तार का लेवल इस तरह लगा, इंजन आया भैया, वो भी मशीन लेकर आ रही है। इंसान क्योंकि काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, तो मशीनरी हर चीज में लगी हुई है। इंजन कितना बड़ा है थार का यार, इंजन तो है ना। अच्छा, ये इंजन पहले फिट करते हैं, बाद में होता है ये सब कुछ, पहले इंजन फिट होता है। यार बड़ा पेचीदा काम है यार। हाँ भाई, पिछली लाइटें जो इंसानों का काम है, मैनुअल और उसका होगा, जो इंसानों का काम है ना भाई वो इंसान कर रहे हैं, और जो मशीनों का काम है वो मशीनें कर रही हैं। ये थार का वो लगा लिया, ये ऊपर 4x4 लगाया,
ये अभी 20 साल हो इसकी वेटिंग ये वो लगा रही है मेरे ख्याल में रबड़ नहीं होती सिलिकॉन वो रबड़ सिलिकॉन की और फिर वो शीशा हाँ भाई अच्छा मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ लोग लगे मुख्तलिफ कलर्स में ये एक दिन में फिर कितनी गाड़ियां तैयार होती हैं यार भाई वो अभी भी इसकी साल ये देखा इंजन के ऊपर सारा कुछ आ गया देखा अच्छा नीचे वाला ऐसा अलग बनाया ऊपर वाला अलग बनाया फिर ऊपर रख दिया कितने तरीके से रखा है अब चेकिंग हो रही है टेस्टिंग हो रही है टायर वगैरह की चला के चेक कर रहे हैं इनकी गाड़ी चेक हो रही है भाई ये रेड थार तैयार हो अच्छा फिर धोई जा रही है वो चमकती दमकती गाड़ी तैयार वे टेस्ट हो रहा है सस्पेंशन वगैरह इसकी सारी चेक होगी कि मतलब बाकी हाँ भाई चेकिंग होती है चेक करो भाई अगली गाड़ी को यार टायर भी कमाल के लगाते हैं कितनी प्यारी जीप इसका है। सालों का टेस्ट अभी ये सही रोड पे चेक हो रही है सालों वेटिंग पीरियड है इसका अच्छा ऑफ रोडिंग में भी टेस्ट होता है सबको हर चीज टेस्ट होती है भाई कि भाई ये 4x4 काम कर रहा है या नहीं कर रहा अच्छा हर तरह की टेस्टिंग के लिए अपनी जगह इन्होंने रखी है वाह भाई आपको क्या थार कोई आम गाड़ी लग रही मैं समझा रोड पे चला चलू कि ये वो सब कुछ मुझे ऑफ रोडिंग का नहीं पता था इसका 4x4 चेक होता है इसका हर चीज चेक होती है प्रॉपर ये देखो बन गई नई नवेली थार तैयार जिसकी दुनिया दीवानी है हाँ भाई सही बात एयर बैग भी है सारा कुछ गैस कितना वेटिंग पीरियड है आजकल इसका कितनी प्रीमियम गाड़ी है भाई क्रैश टेस्ट भी हो रहा है ये भी होता है कितनी गाड़ी इस पे जाया करते हैं भाई एयर बैग चेक किए अलग से बनाते हैं वो सेफ्टी चेक हां हां भाई एयर बैग्स कितने तैयार हो रहे हैं बच्चों के लिए भी सेफ्टी का होता है सारा इसी के साथ यार वीडियो यार मानना पड़ेगा कितनी चेकिंग करके अच्छा मैं ये समझ रहा था रोड पे चलाते हैं चेकिंग समझो नहीं भाई ऑफ रोड गड्ढे किस तरह चलाते हैं सारा कुछ चेकिंग करके दो गाड़ियों की चेक करते हैं मतलब ऑफ रोडिंग सारा कुछ फिर उसके बाद जो बाकी गाड़ी है उसी की मतलब ऊपर बना तो यार ये फिर डेली थार कितनी रेडी होती है तो लाखों के ऑर्डर हमारे सामने कितनी बन रही है भाई ये तो मेरे ख्याल से एक दिन में 20-25 थारे तैयार हो रही है ज्यादा हो रही होंगी भाई मतलब फुल रेडी हो रही है मैं जिसकी बात कर रहा हूं हो सकता है फुल रेडी की बात कर रहा हूँ भाई ये तो बहुत सारी एक एक फैक्ट्री में इतना माल तैयार हो रहा है यार ये एक फैक्ट्री है इंडिया में पता नहीं इसकी कितनी फैक्ट्री होंगी कार की शायद अपनी भी फैक्ट्री अपनी और इसका कितना पेचीदा काम होता है ऐसे वाले में इंजन वगैरह पहले फिट करते हैं सारा कुछ उसको चेक करके दूसरे से तब आता है उसको टाइट करते अभी रॉक्स जो आई वो इससे भी प्रीमियम है हां रॉक्स उसके ऊपर हमने रैक भी किया है यार रॉक्स पे मतलब हमने रैक भी किया है बिल्कुल कमाल की ज्यादा का प्रीमियम गाड़ी और 11-12 लाख रुपए की 11-12 और ये भी इसी रेंज में आती है ये भी लेकिन यार एक बात बताऊं थार महिंद्रा की अगर सब गाड़ियों की बात की जाए ना थार एक स्कॉर्पियो और थार अलग लेवल XUV700 यार ये भी गाड़ी बहुत मस्त है सही बात है यार इन गाड़ियों का लेवल ये आपके पास किसके पास थार है किसके पास कौन लेना चाह रहा है 700 है मतलब किसके पास महिंद्रा की गाड़ी है कमेंट में लाजमी बताइएगा और इनका एक्सपीरियंस आपका कैसा है मतलब किस तरह की गाड़ी है कोई कंप्लेन आपको यार गाड़ी कितनी मजबूत है ये तो हमने देख लिया कल हमने एक टेस्ट भी किया था बिल्कुल वाकई में मजा आया गाइस आपको कैसा लगा बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार